हेलो एवरीवन, आज हम एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे, पॉलीनोमियल्स का निकालना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो दोनों मोनोमियल्स दिए हुए हैं, दोनों टर्म दिए हैं और इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हमने एक टर्म ली और उसको फैक्टराइज किया, 24 के को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया, 2 की पावर क्यूब इंटू 3, 8 3 24 एंड एक्स स्क्वायर y एंड z। ठीक है, ऐसे 27 हो गया, 3 क्यूब, x की पावर 4, एक्स स्क्वायर एंड z स्क्वायर। अब HCF निकालते हैं इसका। जब देखो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज़्यादा बड़ा हो, दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो जब भी हमें HCF निकालेंगे तो हम किसी भी नंबर की लोअर पावर लेंगे। लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ 2 की पावर 3 है बट यहाँ 2 की पावर नहीं है, है ना? तो दोनों में कॉमन होना ज़रूरी है बिकॉज ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब 2 हम यहाँ पे नहीं लेंगे। बट आप देखो 3 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो दोनों में 3 की पावर 1 कॉमन है, तो इसलिए 3 यहाँ ले लेंगे। इसके बाद एक्स को कंपेयर करो, x की पावर 2 और 4, तो मैंने बताया जैसे लोएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, यह आएगा एक्स स्क्वेयर, वाई देखो ये भी लोएस्ट पावर वाई, और जेड की भी लोएस्ट पावर जेड। सो यू गॉट 3 x² y z। तो आपने देखा ना HCF कैसा है, कंजूस है, है ना? तो जो दोनों में होता है वो ही ले रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा लालची नहीं है, इसको जितनी ज़रूरत है उतना ही ले रहा है, है ना? अब LCM को देखो, LCM में क्या करना है, दोनों को कंपेयर करेंगे और जो दोनों में ग्रेटेस्ट पावर होगी वो लेंगे। LCM थोड़ा लालची होता है, आप ये सोचिए, बहुत लालची है, इसका पेट नहीं भरता, ये सब कुछ लेना चाहता है, है ना? तो यहाँ देखो 2 यहाँ नहीं है बट यहाँ है 2 की पावर 3, तो हम क्या लेंगे, 2 की पावर 3 ही लेंगे। ओके, 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हम क्या लेंगे, 3 की पावर 3। अब देखो z, समझ गए ना आप क्या आएगा, z 2 की पावर 4 और y स्क्वायर लेगा और z भी स्क्वायर लेगा। सब में जो है पावर बड़ी है वो LCM में आएगा। अब इनकी प्रोडक्ट कर दो आप, 2 2 4 4 2 8 और ये 27, इट इज 216 x की पावर 4 y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। ओके, वन मोर क्वेश्चन, ये देखो, अब यहाँ पे ये देखो ट्राइनोमियल्स हैं, ये पॉलीनोमियल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम इन्हें फैक्टराइज करेंगे। पहले आप ये देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 है, तो पहले ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। देखो 2 1 2, तो 2 के ही फैक्टर बनाएंगे, 2 1 2, और 2 और 1 को मैंने ऐड किया तो क्या आएगा, -3। ठीक है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, एक्स कॉमन आएगा, x - 2, यहाँ से क्या कॉमन लिया, -1, तो ये देखो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा -2। दोबारा देखो 2 1 2, तो यहाँ देखो 2 × 1 2 हुआ। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मिडिल टर्म क्या है, 3 आ जाए, है ना? तो मैंने, क्योंकि -3 है तो मैंने लिखा -2 - 1, तो कितना आ रहा है, -3, है ना? तो इसलिए हमने इसको -2 और -1 में डिवाइड किया। अब यहाँ से x कॉमन लिया, 2x थे, 1x यहाँ आया तो 1x बच गया, यहाँ से x कॉमन लिया तो 2 बच गया। अब -1 लेना है, -1 कॉमन लेने से क्या होगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। ठीक है, अब आप ये कंपेयर करो, अगर आपको ये दोनों आपके सेम आ जाते हैं, इसका मतलब आपके फैक्टर सही बन रहे हैं। तो x - 2 यहाँ आ गया और ये x - 1 यहाँ भी आ गया। इन दिस वे यू गॉट दीज 2 फैक्टर। अब ऐसे ही इसके फैक्टर बनाएंगे। यहाँ देखो सबसे पहले x2 हमें दिख रहा है कॉमन है, तो इसको पहले से कॉमन ले लिया, 4 में से 2 गए 2 बचे, 3 में से 2 गए 1 बचे, और ये 2 गया तो यहाँ सिर्फ -6 बचेगा। अब इसको फिर मिडिल टर्म में क्या है, 1,
और यहाँ देखो सिक्स वन ज़ा सिक्स, क्या है हमारे पास, सिक्स वन ज़ा सिक्स, और सिक्स के अब फैक्टर बनाने हमें। तो देखो सिक्स का एक तो होता है थ्री, टू ज़ा सिक्स, और थ्री में से मैंने टू माइनस किया तो वन बचा। ठीक है, तो यही सिचुएशन है हमारी कि प्रोडक्ट करके सिक्स आना चाहिए और प्लस या माइनस करके वन आना चाहिए। तो देखो, तो ये लिया मैंने थ्री एक्स माइनस टू एक्स, ऐसे इसको मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ से भी कॉमन लेंगे और यहाँ से भी कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स, एक्स कॉमन लिया तो यहाँ देखो अंदर एक्स बचा और यहाँ क्या बचा, थ्री। यहाँ से लिया माइनस टू कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स, और टू थ्री ज़ा सिक्स, ये प्लस थ्री बचा, तो एक्स प्लस थ्री और यहाँ एक्स माइनस टू। इन दिस वे यू गॉट फैक्टर। अभी देखो हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं, इसके फैक्टर हैं, इसके फैक्टर हैं। फैक्टर तो हमने बना लिए, अब हमें एच सी एफ निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एच सी एफ में जो दोनों में कॉमन है वो ही लेंगे। अब इन दोनों टर्म को आप कंपेयर करो तो क्या कॉमन है, है ना, वी हैव एक्स माइनस टू, ओनली एक्स माइनस टू इज कॉमन हेयर। देखो एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू जो दोनों में है वो यहाँ आएगा। और एलसीएम मैंने आपको बताया था ये बहुत भूखा है, कुछ नहीं छोड़ने वाला, जो कॉमन है वो तो ये ले ही लेगा। उसके अलावा देखो जो भी बचा है एक्स माइनस वन, और यहाँ देखो एक्स प्लस थ्री, इवन ये एक्स स्क्वायर जो है ये भी, ये सब आ जाएगा। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ एलसीएम एंड दिस इज एचसीएफ। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इजी सा है ये। देखो ए की पावर थ्री, ए और ए स्क्वायर, ठीक है, तो एच सी एफ क्या होगा, मैंने आपको बताया था एच सी एफ में क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर। तो ए की तीनों पावर को ऑब्जर्व करो, जो लोएस्ट पावर है वो एच सी एफ है, यानी ए। ऐसे बी की सभी, देखो फोर फाइव एंड एट तीन पावर हैं, एच सी एफ जो होगी वो लोएस्ट पावर होगी, बी की पावर फोर। अब एल सी एम में क्या होता था कि हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, ठीक है, थ्री। तो ए की पावर थ्री और बी में एक, बी की पावर एट इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। एक और क्वेश्चन लेंगे, इसमें भी देखो ये पॉलिनोमियल्स की बने हैं, पहले इसको देखते हैं हम। तो इस कंडीशन में मैंने जैसे आपको बताया था पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचा, देखो फोर था तो टू बचेगा, थ्री है तो वन, और टू कॉमन आ गया तो यहाँ वन ही बचेगा, ठीक है। सिक्स वन ज़ा सिक्स, सिक्स के फैक्टर बनाने हैं, तो सिक्स के फैक्टर क्या होते हैं, थ्री टू ज़ा सिक्स, और थ्री में से टू गए तो वन बचेगा। तो वन को हमने ऐसे स्प्लिट कर लिया, वन को हमने ऐसे स्प्लिट कर लिया थ्री माइनस टू में। अब देखो यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लिया 3x, तो 3 टू ज़ा सिक्स, तो 2x बच गया, 3x पूरा ही कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा। यहाँ से कॉमन लिया, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस वन कॉमन ले लेंगे। माइनस वन कॉमन लेने से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो गए। अब देखो 2x प्लस वन, 2x प्लस वन, जब ये दोनों सेम आ जाते हैं इट मीन्स वी आर डूइंग राइट। देखो ये यहाँ से कॉमन लिया तो ये 3x माइनस वन, ये यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसे 18 को भी हम फैक्टराइज कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, इसको भी प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इन दिस वे वी गॉट दिस। यहाँ देखो 45, यहाँ पे x की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 6 था तो यहाँ 2 बचा, 5 में से 4 गए 1, 4 गया तो ये 1 बचा, ठीक है। फिर अब देखो 2 1 ज़ा 2, तो मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके 3 आना चाहिए। 2 वन ज़ा 2, और 2 प्लस 1 कितना होता है, 2 प्लस 1 होता है 3। तो अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे, ओके। ये देखो यहाँ से 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस 1, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद देखो x प्लस 1 यहाँ लिया तो यहाँ बच गया 2x एंड प्लस 1, देखो 2x प्लस 1
ये आ गया, ठीक है। इसी तरह 45 के भी फैक्टर बना लिए हमने। अब देखो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोनों में देखो 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो 2 नहीं लेंगे। 3 स्क्वायर दोनों साइड है तो 3 स्क्वायर हम ले लेंगे। इसके बाद x स्क्वायर दोनों साइड है, जो लोएस्ट पावर है वो लेंगे x स्क्वायर। इसके बाद अब देखो 2x प्लस 1 दोनों साइड है, 2x प्लस 1, तो HCF आ गया आपका 3 3 9, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, ये है आपका HCF। ओके, अब LCM जैसे मैंने बताया था, LCM बहुत भुक्कड़ है, सब कुछ लेने वाला है, तो 2 भी आ जाएगा यहाँ, 2, देन 3 स्क्वायर भी आएगा और 5 भी आएगा, फिर यहाँ ग्रेटर पावर x की पावर 4, फिर ये जो कॉमन है दोनों ये 1 टाइम आ जाएंगे। अब ये जो कॉमन है इसके अलावा जो बचा है ये 3x-1 एंड x+1, ये भी आ जाएगा। इसे आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, इट इज़ 3 3 9 एंड इट इज़ 90 एक्स की पावर 4 2x+1 3x-1 एंड x+1। ओके, इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट HCF एंड LCM ऑफ पॉलीनोमियल्स। थैंक यू, होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टैंड दिस वीडियो।